गाइस वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यूजीसी के रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे हेडलाइन में देख सकते हो, यूजीसी नीड्स टू रिविजिट इट्स गाइडलाइंस ऑन फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस इमीडिएटली। तो जैसे कि हमें पता है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को लेके बहुत डिस्प्यूट चल रहे हैं ऑल ओवर आवर कंट्री। यूजीसी ने अपने साइड से ये फर्म डिसीजन दे दिया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एग्जाम देना ही पड़ेगा। बट अभी कोविड की सिचुएशन इतनी खराब है, वी ऑल कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो अभी कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में घर से बाहर निकलना, एग्जाम्स देना, इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की। बट देखिए, ये जो आज का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आज का ही आर्टिकल है, द इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और ये आर्टिकल लिटरली बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये आर्टिकल किसने लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अपडेटेड टुडे ओनली, जुलाई 16, अभी थोड़ी देर पहले का ही, सुबह का ही है आर्टिकल। एंड इट इज़ रिटन बाई मनीष सिसोदिया सर। आपको पता होगा ही इज़ द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये आर्टिकल लिखा है। इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के फेवर में बहुत सारी चीज़ें बोली है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो पॉइंट्स है, जो वैलिड पॉइंट्स है, वो स्टेट करने का ट्राई किया है। और उन्होंने एक्चुअली यूजीसी को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, यूजीसी को बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स के साथ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि ऐसे सिचुएशन में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे तो दे कैसे। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। आई जस्ट होप कि उनका ये जो आर्टिकल है या ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ताकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये मैसेज यूजीसी तक पहुँचे कि वो लोग ये कितना अनफेयर डिसीजन ले रहे हैं। तो देखिए, डिटेल में देख लेते हैं कि उन्होंने ये आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बोली है। इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स दैट ड्यूरिंग द हिस्टोरिक ग्लोबल क्राइसिस द सेंटर इज टेकिंग यूनिलेटरल डिसीजंस ऑन स्टूडेंट मैटर्स विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। एज दे स्टेप इनटू एन अनसर्टेन फ्यूचर, सेंटर नीड्स टू स्टैंड विद द यूथ, नॉट अगेंस्ट देम। तो उन्होंने वही बोला है कि अभी जो ये कोविड चल रहा है, इट इज़ अ हिस्टोरिक ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस है, राइट? बिकॉज हमें पता है कोई एक स्टेट में या कोई एक कंट्री में नहीं हो रहा, ये ऑल ओवर द ग्लोब ये पेंडेमिक चल रहा है। तो उन्होंने वही बोला है कि ये जो हिस्टोरिक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, उसमें यूजीसी जैसा जो बड़ा अथॉरिटी है, उसको हमारे जो इंडिया के यूथ है उनके साथ खड़े रहना चाहिए, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं खड़े रहना चाहिए। One of the core duties of governments during natural disasters like the ongoing coronavirus pandemic is to soften the blow of the crisis. The hardships people have undergone as a result of this pandemic are unprecedented. Governments have taken important measures ranging from issuing a moratorium on EMI payments and delaying the deadline for filing tax returns to providing free ration and financial assistance to the underprivileged sections of society. A class of citizens who have also borne a disproportionate burden of this crisis is students in colleges and universities, but they do not appear to have the ear of central government. तो देखिए, इन्होंने इतना अच्छे से compare करके वही बोला है कि अभी जो natural disaster चल रहा है उसके अंदर हर कोई crisis में है, right? तो उन्होंने वही बोला है कि इस pandemic के time पे government या जो भी है, सब लोग बहुत important measures ले रहे हैं सबको help करने के लिए। मतलब जो underprivileged लोग है उनको खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है ताकि कोई difficulty face ना करें। उसके अलावा जो EMI payments है उसको थोड़ा डिले कर दिया जा रहा है। टैक्स जो हमें पे करना पड़ता है उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। तो हर चीज़ में, जो आपको पता होगा, जो लोग घर रेंट में घर पे रहते हैं उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि वो लोग 2-4 महीने बाद रेंट भर सकते हैं। तो इस तरह से हर किसी पे मर्सी किया जा है, या फिर हर किसी को डिले या वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस ना करे। तो उन्होंने वही कंपेयर किया है कि ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे भी आया है, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे। तो अगर बाकी सबका क्राइसिस ध्यान में रखा जा रहा है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का क्राइसिस क्यों ध्यान में नहीं रखा जा रहा? क्यों उनका जो मेंटल स्ट्रेस है या उनका जो इमोशनल वेलबींग है अभी उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा? विद द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज क्लासेस बींग ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वॉश्ड आउट, स्टूडेंट्स हैव ड्रॉन अ रॉ डील दिस ईयर। The Union Ministry of Human Resource Development and the UGC, that is University Grants Commission, are bent on worsening their plight. The worst hit are final year students who would originally graduate in June, but this year they find themselves at the mercy of UGC. ठीक है, ये तो ये पूरे पैराग्राफ में उन्होंने वही बोला है कि इस ईयर इतना सब कुछ हो रहा है, तो सारे गवर्नमेंट जो भी है, हमारे जो गवर्नमेंट है या जो भी हायर अथॉरिटीज है, उनको इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, जो
ताकि जो भी है स्टूडेंट्स है या कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसकी उसका जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। बट यहाँ पे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं। तो इधर वही उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है वो लोग बेसिकली जून में ही ग्रेजुएट हो जाने चाहिए थे, बट अभी ऑलरेडी इतना डिले हो गया है, जुलाई आधा चला गया है, जो जून में ऑलरेडी उनको डिग्री मिल जानी चाहिए थी, ग्रेजुएट हो जाने चाहिए थे, उनका अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम देना है कि नहीं देना है। उसमें भी पहले तो वो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम देने की बात कर रहे थे, अब ऑनलाइन एग्जाम में भी क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्टी आ सकते हैं, इंटरनेट इश्यूज बहुत सारे, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, तो इसीलिए अभी वो लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा लेंगे वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ब्लेंडेड मोड की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट जो स्टूडेंट्स का ऑलरेडी अब तक डिग्री आ जाना चाहिए था, वो जॉब वॉब ढूंढने लगने चाहिए थे, वो लोग अभी तक कन्फ्यूजन के अंदर है कि क्या करना है उनको नहीं पता। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड सिचुएशन। The UGC's decision to enforce exams for final year students while cancelling other semester exams betrays its poor understanding on the choice-based credit system adopted by India's university. Under the CBCS is nothing but choice-based credit system, the academic years are split into semesters that carry more or less equal weightage towards awarding degrees. हाँ तो देखिए ये जो paragraph है उसमें उन्होंने clearly वही चीज़ बोली गई है, उन्होंने वही चीज़ बोला है कि choice-based credit system करके जो system है हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो अडॉप्ट किया गया है उसमें अभी क्या किया है, पहले आपको पता होगा बहुत पहले क्या होता था, पूरे साल का एग्जाम साथ में होता था, बट अभी आजकल हर जगह पे हर यूनिवर्सिटीज़ में या हर स्टेट्स में ये चीज़ जनरलाइज उन्होंने कर दी है कि हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के वो सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। मतलब अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो 6 सेमिस्टर्स होंगे, अगर आपके 4 साल की डिग्री है तो 8 सेमिस्टर्स होंगे आपके डिग्री में, राइट। तो यहाँ पे मनीष सिसोदिया सर ने वही चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि अभी जो ये नया सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से सारा जो एकेडमिक ईयर है उसको सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है, और उसके बेसिस पे ये है कि सारे सेमेस्टर का इक्वल वेटेज है और इक्वल इम्पॉर्टेंस है। तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत भार दिया है कि यूजीसी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि फाइनल ईयर है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सेमेस्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे सेमेस्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया है और इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो वो वही बोल रहे हैं कि अगर बाकी सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं हो रहे तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो अनफेयर होगा। अगर आप बाकी किसी का एग्जाम नहीं ले रहे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ पार्शियलिटी करना हुआ या अनफेयर चीज़ हुई, राइट। तो वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि सेमेस्टर ग्रेड सिस्टम में सारे सेमेस्टर जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अगर बाकी सबको डायरेक्टली पास किया जा सकता है तो फाइनल ईयर सेमेस्टर को भी डायरेक्टली पास किया जा सकता है उनके इंटरनल इवोल्यूशन के हिसाब से या उनके प्रीवियस सेमेस्टर है उनके मार्क्स के हिसाब से। तो उन्होंने वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हाँ, और उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो उन्होंने समझाया है कि हमारा अगर हम इंडिया की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है, मतलब जनरली क्या फ्लो चलता है, दैट यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स एंड बेस्ड ऑन दिस एजुकेशन स्टूडेंट्स आर असेस्ड थ्रू एग्जाम्स। ठीक है, क्लियर इनफ। दैट नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो है पूरा सेमेस्टर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, और स्टूडेंट को जो भी पढ़ाया गया है एक सेमेस्टर में वो जो भी पढ़ाया गया है वो पढ़ाई के हिसाब से उनके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। बट इस बार उन्होंने वही चीज़ एक्सप्लेन की है, बट इस बार क्या हुआ है, इस बार लास्ट 3-4 महीने से लॉकडाउन एंड ऑल की वजह से सेमेस्टर ही पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि जब हमें स्टूडेंट को जो प्रोवाइड करना चाहिए था, मतलब एजुकेशन, तो अगर एक सेमेस्टर का जो एजुकेशन है वही सही से हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग एग्जाम देने आए। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने, दैट व्हेन द कोरोना वायरस डिस्टर्बड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट नेगेटेड द वेरी बेसिस ऑफ एग्जाम्स, व्हाट विल वी टेस्ट आवर स्टूडेंट्स ऑन। तो अगर उनको ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया तो हम उनका टेस्ट लेंगे ही किस बेसिस पे, डू वी एक्सपेक्ट देम टू हैव डीप इनसाइट्स इनटू देयर फाइनल सेमेस्टर सिलेबस बाय बर्थ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ वही लिखी है कि क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनल सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है वो उनको बाई बर्थ आता ही होगा, कि उनको ना पढ़ाया जाए तो भी वो एग्जाम्स दे पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं इस आर्टिकल में। द कोरोना वायरस पैंडेमिक इज अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट एंड इफ वी डू नॉट राइज टू द ओकेजन एंड रिस्पॉन्ड टू इट अप्रोप्रिएटली वी विल बी फेसिंग आवर सिटीजन्स, वी विल बी फेलिंग आवर सिटीजन्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कम
सर्कमस्टेंसेस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। तो उन्होंने वही चीज बोली है कि ये जो पेंडेमिक है ये हमेशा नहीं आता, ये वंस इन अ सेंचुरी इवेंट है। तो अब जब ये चीज आई है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इवेंट है, सर्कमस्टेंसेस है, वो ना चाहते हुए भी जब चल रहा है, तो उसके लिए जो मेजर्स है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेने पड़ेंगे। जैसे यूजीसी ने, इसके पहले वाले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था, यूजीसी ने अपने साइड से वही पॉइंट को वो लोग बार बार रख रहे हैं कि एग्जाम्स ना हो ये चीज़ हम नहीं मान सकते, एग्जाम्स हर बार होते हैं, एग्जाम्स होने ही चाहिए। बट इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से यही पॉइंट बोला है कि एग्जाम्स जनरली होते हैं, दैट इज़ ओके, बट जनरली ये पेंडेमिक भी तो नहीं होता। इस बार क्योंकि ये पेंडेमिक है, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, तो उसके लिए अनअवॉइडेबल जो चीज़ें हैं जो नॉर्मली नहीं होती, वो चीज़ करनी पड़ेगी। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। It is not the examinations, it is not that. Examinations are the only way to access students. The reliance on written subjective exams has already stagnated our university courses and the way that and the way they are taught at colleges. तो उन्होंने वही चीज़ बोली गई है कि उन्होंने वही चीज़ बोली है कि बस एग्जाम लेना या सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एक्सेस करना, यही एक तरीका नहीं होता, और भी तरीका है, और भी ऑप्शंस है अगर हम चाहे तो। फिर उन्होंने वही चीज मेंशन की है दैट द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव कैंसल्ड एग्जाम्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एंड चोजन टू कंडक्ट इंटरनल असेसमेंट्स। उन्होंने वही बोला है कि बहुत सारे जो वर्ल्ड के फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे, उन्होंने भी ये पेंडेमिक के चलते एग्जाम्स को कैंसिल करने का डिसीजन लिया है, और वो लोग अपने स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे पास कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि जो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज है, दैट इज IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अलावा NLUs, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, तो ये वाले जो यूनिवर्सिटीज है, तो ये वाले जो यूनिवर्सिटीज है वो इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है, राइट? यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस ऑब्वियसली। IITs जो है, NLUs जो है, तो ये वाले जो हाई लेवल के यूनिवर्सिटीज है, उन लोगों ने भी ऑलरेडी अपना इवेल्यूएशन कंप्लीट कर लिया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का थ्रू इंटरनल असेसमेंट एंड ग्रांटेड देम डिग्रीज। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है, IITs, NLUs, उन्होंने भी अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी डिग्री दे दी है उनके इंटरनल असेसमेंट इवेल्यूएशन के बेसिस पे। तो जब वो लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं तो UGC क्यों नहीं? तो उन्होंने पूरे में बस वही चीज़ें एक्सप्लेन की है कि UGC को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। द UGC गाइडलाइंस रिक्वायर यूनिवर्सिटीज टू कम्प्लीट ऑल फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। दिस टाइमलाइन इज क्रूअल एट अ टाइम व्हेन अ पुअर इकोनॉमिक आउटलुक, लैक ऑफ जॉब्स इन द मार्केट एंड अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आर ऑलरेडी ट्रबलिंग द यूथ। They are looking forward to receiving their degrees and moving on from their student lives to looking for jobs so that they could begin to support themselves and their households. But now, they will likely finish their exams in September, receive degrees by November, and their lives would have been set back by several months. So, उन्होंने यहाँ पे जो final year students का जो concern है वो बहुत अच्छे से put up किया है कि अभी already हमारे आसपास पूरे इंडिया में बहुत सारे crises चल रहे हैं। Already ये pandemic का crisis है, उसके अलावा पुअर इकोनॉमिक आउटलुक चल रहा है, लैक ऑफ जॉब्स है मार्केट में, जॉब नहीं मिल रही किसी को, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, तो ये सब के बीच ऑलरेडी सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है, और उसके बीच फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये दबाव देना कि आपको एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे, इट इज अ वेरी बैड थिंग। तो उन्होंने वही चीज एक्सप्लेन की है कि ये जब ऑलरेडी मार्केट इतना खराब है, जॉब्स नहीं मिल रही, तो ये सब में सारे स्टूडेंट्स अभी वही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी डिग्री लेके बाहर निकले और अपने लिए कोई एक जॉब ढूंढ ले ताकि वो उनकी लाइफ भी स्टेबल रहे, या उनके पेरेंट्स को भी, वो खुद को और पेरेंट्स को या फैमिली जो भी है उनको सपोर्ट कर पाए। तो ये सब जब उनको ये सब के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए वहां पे, ये सब ना करके हम अभी तक एग्जाम्स लेना है या नहीं लेना है उसके ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं। सो उन्होंने वही इस चीज का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बताया है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, और उनका जो मेंटल स्टेट है या जो सिचुएशन है उस चीज को समझना चाहिए। तो अभी ऑलरेडी मार्केट इतना खराब है और जिस तरह से UGC चीजें कर रही है, उससे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स सितंबर में खत्म होंगे, उनको नवंबर तक डिग्री मिलेगी, उस हिसाब से ये एक साल तो पूरा उनका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। सो वही सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। सो ओवरऑल उन्होंने यही चीज बोली है दैट इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स दैट ड्यूरिंग अ हिस्टोरिक ग्लोबल क्राइसिस द सेंटर इज टेकिंग यूनिलैटरल डिसीजंस ऑन स्टूडेंट मैटर्स विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो बस वही उन्होंने बोला है कि ऐसे टाइम पे UGC जैसी अथॉरिटी को स्टूडेंट्स के मेंटल और इमोशनल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ या उनको सपोर्ट करते हुए डिसीजन लेना चाहिए, उनके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। The UGC needs to revisit its guideline immediately and take a human and rational approach
approach in this matter. If we force students to carry out this farce, we will have miserably failed our younger generation. तो बस younger generation को support करते हुए ही उन्होंने ये पूरा जो article है इतना सही से लिखा है, और UGC को at the end वही बोला गया है that please आप अपने जो guidelines आपने दिए हैं कि final year students को exam देना है, वो गाइडलाइंस को रिविजिट करिए, वापस उसको चेंज करिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल जाए, उनको पता चल जाए कि क्या होने वाला है, उनका किसी तरह से रिजल्ट आउट हो जाए और वो आगे बढ़ पाए, उनको जो भी आगे करना है, मास्टर्स करना है, जॉब करना है, जो भी करना है, वो लोग टेंशन फ्री होके आगे बढ़ पाए. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी फाइन आर्टिकल, फाइनली रिटन, एंड आई होप ये आर्टिकल आपको भी पसंद आया हो. प्लीज स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट जो भी आगे डिसीजन होने वाला हो बहुत जल्दी नया गाइडलाइन आए और आपके फेवर में आए. थैंक यू सो मच.